अल्लाम शारायद सूर से मैं हूँ अब्दुल्कम सदी और आप हैं एक यू एस के साथ कॉन्फ्रेंस की आज तीसरे रोज़ भी समात हुई और अब ये तीन समातें हो गई हैं पहली समात के अंदर तो जो है वो हमने ये देखा कि अटर्नी जनरल का रवैया टूवर्ड्स दो फाजिल जज साहिबान कुछ अजीब सा लगा था लेकिन फिर दूसरी समात में भी ऐसा हुआ और आज तीसरी समात में भी ऐसा हुआ तो लिहाजा वो जो तीन मौके देने होते हैं कि क्रिटिसाइज़ करने से पहले या किसी चीज़ को वो करने से पहले तो वो तीन मौके दिए जा चुके हैं और वो बात ये है कि जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस मजर आलम मियाँ खेल हैं जब भी वो अपना कोई सवाल करते हैं अभी उसी दरमियान में सवाल पूरा नहीं होता और अटर्नी जनरल दरमियान में बोलते हैं।, हैं और समाइम काफ़ी रूढ़ अंदाज के अंदर उनको जवाब देते हैं जबकि बाकी जो दीगर तीन जज साहिबान हैं जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ, उस वक्त वो पूरे अटेंटिव एटेंट, होकर उनका सवाल जी सुनते हैं और फिर उसके बाद उसका जवाब भी देते हैं लेकिन वो रवैया डिफ्रेंशिएट करता है कि दो जज साहेबान के हवाले से कुछ और है तीन जज साहिबान के हवाले से कुछ और है। जबकि एक और आज वाक़ हुआ और वो वाक़ ये था कि आज जब जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब उन्होंने इस बात के ऊपर पूछना चाहा अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कि यहाँ जो समात हो रही है इस समात के अंदर जो सवाल जवाब होते हैं और उन सवाल जवाब के हवाले से वो अदम अतमाद की तहरीक के ऊपर भी असरअंदाज हो होती है बात तो उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कमालिया में जो तकरीर की उसके अंदर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जजों को अपने साथ मिलाया जा रहा है इस पे आज जब ये बात आगे बढ़ना चाहिए तो चीफ़ जस्टिस ने इंटरप्ट करके इस मौजू को भी ख़त्म किया और कहा कि अटर्नी जनरल आप अपने दलाइल दीजिए आज के दलाइल क्या थे अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के बेंच की कंपोजिशन क्या रही और किस तरह से उसको आगे चलाया गया और ये दो दो वाक़्यात जो इस नाचीज़ ने नोट किए हैं शायद न ना सिर्फ नासिर साहब ने भी किए हैं हसनाद साहब ने किए हैं बल्कि आज सीनियर वकला की तरफ से भी जो है ये बातें नोट की गई हैं तो आज फिर अटर्नी जनरल ने एक मरतबा वक्त मांगा है और अब जो स्ट्रेटजी है वो उसके मुताबिक कल एक घंटा उनको मज़ीद अदालत ने दिया है तो उसके बाद फिर आगे जो है वो रेफरेंस की समाप्त चलेगी एक तरफ मुझे ये भी बात समझ नहीं आ रही कि अदालत कहती है कि हम तफसीली सुनना चाहते हैं दूसरी तरफ कहती है कि कंसटेंट है कंसेंट किस चीज़ की है वक्त भी ख़त्म और कहते हैं कि अगर अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि इसका इतलाक़ फ्यूचर से होगा तो फिर इसमें जल्दबाजी क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रही नासिर साहब आज की हाईलाइट आपके ख्याल में क्या है देखें कयूम साहब एक तो आपने ये बात कर ही दी है दूसरा मुझे बेसिकली ये समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत अपनी जो वीकनेसेस है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे क्यों लेके आती है ये कुछ देखें आज सैनट के इलेक्शन जब हो तो रहे थे उस वक्त भी एक रेफरेंस आ गया था और उसमें भी टाइम कंज्यूम किया गया था और आ, हर रोज़ जो यही बताया गया था कि दो घंटे लेकिन अगले दिन बताया था कि जी दो घंटे और तो आ, आज भी वही हालात है कि आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज अटर्नी जनरल साहब कंक्लूड कर देंगे लेकिन उन्होंने फिर दो घंटे मांगा लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेसिक बहरहाल यह कहा कि कल आपको एक घंटा तो हम देंगे ये सुप्रीम कोर्ट तो रोज़ कहती है हाँ वो तो डिपेंड करता है ना कि कल के आर्गूमेंट्स पर लेकिन आप इससे अंदाज़ा करें कि सीनियर तरीन जो वकील हैं जो खैर मुस्लिम लीग के हैं लेकिन आज उन्होंने भी एक बात की है कोर्ट को मखदूम अली ख़ान साहब ने उसने कहा कि ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जैसे प्योरिटी और ट्रांसपेरेंस ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत और ये सारा ख्यानत। कुछ खयानत ये सारा कुछ जो है ना मतलब अटर्नी जनरल के साइड पर ऐसा नहीं है आप हमें भी सुने अब हम हम भी अपना आप बताएँगे कि क्या सिलसिला है उन्हें कहा ये जिस जिस ये जो इम्प्रेशन जो या इस्तेमाल किया जा रहा है ना ये एक इमोटिव है अंग्रेजी के लफ्ज़ में बोला क्या इमोटिव यानी जज्बाती है ये बावर करना गलत होगा कि सारा का सारा जो है ना वो बहुत प्योर है और हम बिल्कुल ही ऐसा शहद है, आ, है हाँ, और दूसरी तरफ जो मिलावट तो ये बहरहाल नहीं लेकिन एक और भी हुआ ना कि अटर्नी जनरल तो करेंगे इसको करेंगे और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना अलग से वकील खड़ा किया है अली ज़फ़र साहब जो है आ, अली ज़फ़र साहब वो भी कह रहे हैं कि उसके बाद हमें दिया जाए तो मखदूम साहब ने यह भी कहा कि जनाब इनको भी दे दें टाइम ताकि इनके हम इकट्ठे ही सवालों के जवाब जो हैं वो दें लेकिन कईम साहब मुझे बात वही है कि आपने जब इतना आ, आपको जल्दी नहीं थी अर्जेंसी नहीं थी तो फिर प्रेजेंशियल क्यों आपने फ़ाइल किया गवर्नमेंट ने और फिर उसमें हर जो है आपको पता है कितने नोटिस कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ को इशूज़ हुए हुए हैं उन्होंने भी जवाब देना और फिर इसमें राइट ऑफ रिबर्टल भी है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को भी राइट ऑफ रिबर्टल भी है तो आज मखदूम साहब तो यही कह रहे थे कि तो मैं यही बात करूंगा कि फिर हाँ ये दो राउंड करें ताकि हमें भी फिर राइट ऑफ रिबटल मिल जाए लेकिन बात वही है कि आपको कोई आप कह रहे हैं कि फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए तो फिर आप ये आ, लोगों का ये ख्याल है कि आप अपने मेंबर्स को ये कंफ्यूज करना चाहते हैं कि तल्वार या तलवार लटका रहे हैं सोर्ट ऑफ डिमोकल है कि देखें सिक्सटी टू वन एफ लग सकता है मैं पूरी कोशिश कर रहा कि लग जाए लेकिन इस सिलसिले में आज जस्टिस मुनीब अख्तर की एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है।, है वो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि आपने एक हवाला दिया है एक जज का एक जजमेंट का, का।, का। आ, स्पीकर वर्स स्पीकर नेशनल असम्बली वर्सेज हबीब अक्रम दो हज़ार सत्रह का शायद हाँ तो उस पर उसने कहा कि देखें जी ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन थी नॉमिनेशन फॉर्म में या एफिडेविट में इलेक्शन से पहले तो ये प्री इलेक्शन का है उसमें उस वो क्वालिफिकेशंस को डील करता है यानी कि जब मेंबर नामिनेशन फॉर्म देता है तो वो उसमें लिखता है कि मैं क्वालिफाई क्यों करता हूँ कैंडिडेट बनने के लिए क्योंकि मेरे पास ये है ये है मैं वो एक पूरा फॉर्म फिल करता है और वो उसमें अपनी फैक्ट्स बताता है अगर उसकी कंसीलमेंट है तो उस पर आर्टिकल सिक्सटी लगता है और जो कि वन एफ पे जाके कर मरतज होता है मतलब वो कंक्लूड वहाँ होता है उन्हें कहा आर्टिकल 63 ए जो है वो डिफेक्शन का है तो इसमें तो नेचुरली आर्टिकल 63 लगेगा ना जो डिसकॉलीफिकेशन का है लेकिन वो सिक्सटी टू वन एफ पे नहीं जा रहा मतलब डिफेक्शन को डिसकॉलीफिकेशन के ऊपर आप कैसे लगा सकते हैं जबकि आइन की स्कीम मुख्तलफ है ये कह रहे हैं बिल्कुल क्योंकि यह कहना है टोटली स्कीम डिफरेंट है उसमें डी ज़रूर है एक वैकेंसी ज़रूर क्रिएट हो सकती है लेकिन वही मेंबर अगर अपने इलाके में वो है पावरफुल है इन्फ्लुशल है लोग उसको पसंद करते हैं तो वो बाउंस बैक हो सकता है थ्रू बाई इलेक्शन या जनरल इलेक्शन तो आ, ये आप उस पर जो सिक्सटी टू है वन एफ लगा रहे हैं ये ज़रा थोड़ा सा मतलब आ, अलग है ठीक है या वो बनता नहीं है बनता मतलब नहीं कहने, है। कहने का ये मतलब है यानी कि आज आप जैसे सुमरता बंदयाल साहब के अलावा अगर और इक्वेशन देखी जाए तो जो है वो आज मुनीब अख्तर साहब तकरीबन उधर आके नज़र आ रहे हैं जहाँ पे जैसे जमाल मंदूखिल और जैसे मजर आलमिया खिल का अब तक के रिमार्क्स में जो मौक़ सामने आ रहा है अच्छा असनाज साहब चीफ जस्टिस ने जो है वो आखिर में कंक्लूड करते हुए कहा कि अभी तक हम हवा के घोड़े के ऊपर चल रहे हैं 97 में जब अक्सर थी तब भी इस ये 63 थ्री ए के वाले से जो है वो आया फिर उसके बाद उसके पीछे क्या सोच थी ये मखदूम अली ख़ान साहब से उन्होंने कहा और फिर जब वो कहते हैं कि हम पार्लिमानी जमहूरीत जो है उसको तस्लीम करते हैं और जो पार्टी सिस्टम पर जोर देती है पार्लियमानी जमहूरियत पार्टी सिस्टम पर जोर देती है और तमाम पार्टियों ने मिल के जो है वो सिक्सटी थ्री ए जो है उसको बेहतर बनाया अब इसका क्या मतलब हो सकता है जबकि जमहूरियत के लिए क्या अच्छा है और उन्होंने आज कहा कि क्योंकि पार्लियामानी जमहूरियत जो है वो आइन का सेलियंट फीचर भी है तो आ, साथ ही इस पर कंक्लूड किया कि एक अहम और दिलचस्प जो है वो मुकदमा है आप बता दें क्या नहीं आप बताएंगे नहीं, नहीं आप बताएं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि हम यहाँ जमहूत नहीं हम एक पार्टी या एक हुकूमत को बचा रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है देखें कयूम साहब आपने आज दो वाक़ात की बात की ना ये बाकी ये डिवीजन तो नज़र आ रही है जो भी एक अटानी जनरल के जी उनका जो बिहेवियर है या जो उनका जो स्टाइल है वो डिसरेस्पेक्ट है जैसे आपने कहा ना तो वो मैंने नोट्स निकाल निकालने तो अब मैं बताऊँगे जैसे जमाल महदखील ने कहा कि हमने हम ये देख रहे हैं कि कूमत बचानी कि पार्टी बचानी है और फिर उन्होंने कहा कि हाँ और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो ये सुनते हैं कि जो डेमोक्रेसी है जमहूरियत है ये दिस इज़ डेमोक्रेसीज फॉर द पीपल ऑफ़ द पीपल बाई द बाई पीपल हाँ जमहूरियत जो है अवाम के लिए अवाम के वास्ते और के लिए, के लिए है ना यही होगा ना जी बिल्कुल वो तो देखें जो आपने आज दो बातें की ना एक तो अटारनी जनरल साहब की बात की कि जी उनका जो जो दो जजेज हैं जो छोटे सूबों से आप कहें या जो भी उनसे बड़ा थोड़ा जो तरीक़ाकार है वो बड़ा इरीटेट हो जाते हैं और जो जैसे मुनीब उनके मुखालिफ ही को बात करें तो उन्हें कहते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है वो क्योंकि लाइन और लेंथ जो अलजिडली कहते हैं कि सिंध से बड़ी मिलती जुलती क्योंकि बड़े केसेस में वो पेश होते रहे हैं हम लेकिन मेरा ख्याल है कि अटान साहब पहले भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी इस तरह जब एक सेनेट इलेक्शन आया था तो वहाँ भी इस तरह ही वो जज्बाती हो जाते थे बाद में वो वो कर गए थे कि उनका जो बिहेवियर था वो कोई नहीं था उन्होंने अपना भी इमेज बिल्डिंग करनी है आ, देखें आ, मैं मैं ज़ाती तौर पर मेरी ख्वाहिश है कि वो शरीफ पीरजादा वाला स्टाइल या उनको इस तरह ना जाया जाए कि एक शख्स को मैंने सुना था वो कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि जो वज़ी अजम की तकरीर होती है वो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके तो अदालत को बता रहे होते हैं नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि आ, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है द बोर्ड है आ, हर पार्टी से है वो इतना सियासी मसले ये सबको पता है ये सियासी लड़ाई है उसमें वो अपना इमेज खराब मेरा ख़्याल है उनको नहीं करना चाहिए जिस तरीके से वो इमोशनल हो जाते हैं आ, उनको लीगल जो है मामला जो भी है उनको करना चाहिए अगर एक जज उनसे इलाफ कर रहा है तो दो जज उनकी सपोर्ट कर रहे हैं सैनिट इलेक्शन पर भी, भी उनको जजेज ने सपोर्ट किया अ लिहाज से और बल्कि ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो तैयारी कराई जा रही है अटर्नी जनरल साहब को दूसरी साइड से भी सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ये ओपन सीक्रेट तो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों बल्कि उनके चाहने वालों को भी जो उनका जो तरीक़ाकार जमाल मंद साहब से रहा वो ठीक नहीं रहा दूसरी बात चीफ जस्टिस उमर अताब बंद साहब से आ, उनके हवाले से भी बड़ी रिस्पेक्ट लेकिन मेरा ख़्याल है जो आज उन्हें हमने देखा कि अनवर मंसूर साहब ने जब कहा था ना जस्टिस कादी फैसा केस में कि हमें पता है कि आप में से कौन से जजेज प्रीवी हैं और वो उसमें भी चीफ जस्टिस जो है अनमूव रहे यहाँ भी उन्होंने अपनी लीडरशिप नहीं दिखाई लीडरशिप होती ये है कि आपके जज ने बात की है ना तो आपको पोलाइट अंदाज में और ये कोई छोटा इल्जाम नहीं है कि पब्लिक एक... गैदरिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि जजों को मिलाने की कोशिश देखिए अगर लाया जा रहा है अगर जस्टिस काजी फैसा के वकील कहें कि जी जस्टिस इजाजुल एहसन और सरदार तारे को बेंच में नहीं तो आप इतने इमोशनल हो जाते हैं जस्टिस बंदियाल साहब इतने इमोशनल हो जाते हैं कि ओ और ऐसा लगा कि वो हर जगह रिफ्लेक्ट हुआ उनके इमोशनल हर आर हयरिंग यहाँ फिर ये परसेप्शन है कि आप एक धड़े की नुमाइंदगी ना करें मतलब जैसे जैसे उमरता बंदयाल साहब पे बारों में यही एलिगेशन है ना कि उनका एक धड़ा है मतलब ये इल्ज़ाम है कि जी वो मनपसंद जजेस इंपॉर्टेंट केसेस में बैठते हैं और वहाँ अब देखें वो दूसरे धड़े के बेशक जजेस हों लेकिन आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है आप पूरे इंस्टीट्यूशन के चीफ जस्टिस हैं आपको लाइट अंदाज़ में मैं ये नहीं कहता कि वो जस्टिस मदर मतलब आलम खेल साहब ने जो बात की आप उस पर यानी सख्त आप ही की नमास आते लेकिन आप उनको इंडोर और साथ खड़े होते यहाँ लीडरशिप दिखाई जाती है मेरा ख्याल है अगर जस्टिस कादिफा लेटर लिखते हैं वो भी गलत लिखते हैं लेकिन आप भी ओ, खाते आ गए जोश जज्बात में लीडरशिप दिखानी है आप भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने

और जलसा और नहीं नहीं, तो वो छोड़ें यार आप फिर उधर चले जाते अच्छा हैं अदालती का सियासी से कोई ताल्लुक नहीं है, है। साहब की जो ऑब्जरवेशन है तो कमाल ही याब्जर्वेशन है जो उन्होंने हाँ। कहा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनको रजिस्ट्रेन नहीं किया जाता किया जा सकता इस इस किस्म के इस किस्म के ऑब्जरवेशन देने से क्योंकि अगर अगर प्राइम मिनिस्टर को इस हाइस्ट ऑफिस पे या हाईस्ट फोरम पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो उनके फिर लोगों को भी तो उन पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना ये ऑब्जर्वेशन क्यों आई थी कि जस्टिस मज़र आलम या खैर साहब ने एक बात कही थी कि उन्होंने कमालिया के जलसा है उसमें बकायदा ये कहा है कि जजेस को साथ मिलाया जा रहा है मतलब ये एक तरह का क्लियर कट आ, एलिगेशन है और तो। चीफ जस्टिस ने कहा है ना कि इस तरह के ऑब्जर्वेशन से हमें फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन हमारे आसपास के लोगों को फ़र्क पड़ता है बेहतर यही है कि ना दिया जाए आ, आ, मतलब वो क्या करें जाके वो तो नहीं पकड़ सकते ना नहीं, नहीं नहीं वो वो बड़े नहीं, नहीं, मैं मैं क्लोजली देख रहा था चीफ जस्टिस साहब का रिएक्शन क्योंकि वो बड़े मुस्कुराते रहे ठीक है बैलेंस होना है चाहिए लेकिन अगर एक सेक्शन ने आपके एक जज ने बात की ना तो वहां उसको एंड अप करना वो ऐसा लगा कि जस्टिस मजर आलमेल साहब की इंडिविजुअल थी और दूसरा बेंच उनसे एग्री नहीं कर रहा था उनकी बात अगर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी तो चीफ जस्टिस बेंच उसमें उस फिर फिर वो जो बता ना कि कि फिर उस सपोर्टिंग आर्गुमेंट फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से आया कि क्या प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से इज्तना नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों से वही मैं कह रहा हूँ उन्होंने स्टेटमेंट दी अब दूसरी तरफ से ये कोई स्टेटमेंट आ जाए कि जी कोई जजेज इमरान खान साहब को बचा रहे हैं वहां भी आप कहें हमें कोई इन्फ्लुंस नहीं करता ये नहीं करता देखें मेरा ये कहने का मकसद कि चीफ जस्टिस साहब का जो उस वक्त भी किया अनवर मंसूर साहब की हेरिंग दौरान जो उन्होंने बात की और बेंच हालांकि मंसूर ने कहा कि ये क्या बात आप कर रहे हैं अगले दिन फिर ख्याल ख्याल आया कि कि यार ये ये क्या बात बात आज भी मेरा है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात, अगर आप इस तरह अलाउ कर देंगे आ, नहीं आप एक नोट दे दें मैं देता नहीं नहीं, कह मतलब कहना चाहिए के था क्यों बात करें यार वो क्यों ये इम्प्रेशन दे के हम वन साइड चल रहे हैं या दूसरी साइड पर चल रहे हैं उनका ये काम ही नहीं है उनका का काम है केस सुनना वजी मर्जी इल्जाम लगाते हैं वो बाहर की बात है ना अंदर की बात नहीं ना उनके सामने ये केस नहीं, नहीं, नहीं है ना मतलब अदलिया का इमेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो बाहर का नासिर ये जेल ये ले लिया जाए कि आज जो है इल्ज़ाम क्या इल्जाम क्या लगा रहे हैं कि जो बाहर बैठे हुए लंदन में बैठा हुआ नवाशिफ है वो अदलिया के जजों को मिला रहा है अपने साथ

जो हाँ। थ्रू? थ्रू दूसरी साइड पे है जिस तरीके हैं मेरा ख्याल है, की अगले हयरिंग में उम्मीद है की बैठे ना ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जज का काम नहीं होता जज का काम ये नहीं है नहीं हस्नाद वैसे एक बात तो ठीक है ना की बाहर कुछ भी होता रहे

यार माफ़ कीजिएगा मुझे तो पहले दिन से तो मतम नज़र नहीं आ रहे और देखें आ, क्या अपना क्यूम साहब आप सिक्सटी टू वन एफ़ के इंप्लीकेशन आप इम्प्लीमेंटेशन चाह रहे हैं ना सिक्सटी थ्री ए पे तो ये कोई इतनी छोटी बात है कि आप एक एम को आ, जो तायात नाहल करते हैं इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर जो जस्टिस मंदो, मंदोखेल साहब की जो बड़ी एफ्ट किस्म की ऑबजर्वेशन है कि हमने देखना यह है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को बचा रहे हैं या हमने एक डेमोक्रेसी के सिस्टम को या पार्लियामेंट्री सिस्टम को बचाना है तो सिक्सटी टू वन एफ़ को लगाना कोई इतना आसान आसानी है ऑल दो अटर्नी जनरल साहब बार बार यही कह रहे हैं कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको कन्विंस कर सकूं

उसके बाद उन्हीं लोगों से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था ना तो जमाल मंदूखेल साहब भी कह रहे थे कि मैं उसमें लफ्ज है मैं पार्टी लीडर जो है, है ना वो उसको भेजा जितनी बात एक नहीं नहीं बात एक, 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 कानून बनाए भेजा एक, एक, सुप्रीम कोर्ट का कंधा क्यों वो यही कह रहे हैं कि ज, जस... आपके नसीम सारा तीन साल को कैसे फारे करना यहाँ ये कानून क्यों नहीं बनाया गया आपको भी पता था थिन मेजोरिटी थी तो आपने जो अपनी गलतियां है खामिया वो सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल कर रोक रहा है आपको किससे डर लगता है इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है जिस तरह उन्होंने कहा कि वो एक जज के खिलाफ रेफरेंस बनाने में टाइम कंज्यूम हुआ लेकिन जब गवर्नमेंट ने कहा गया कि एक ऑर्डिनेंस बना दें जिसके तहत डिफेक्शन को आप सिक्सटी टू वन एफ के साथ रिलेट कर दें या जो भी तो उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री ने इनकार कर दिया कि ये बनता नहीं है वो बनता तो है कहने का मतलब उधर उनको याद आ गया कि लॉ लॉ में ये सब नहीं हो सकता लेकिन अदरवाइज वो सब कुछ तो सिक्सटी टू वन एफ़ लगाने का फिर ख्याल किसको आया लॉ मिनिस्ट्री को तो नहीं आया तो फिर किसको आया फिर वो फिर प्रेजेंशियल रेफरेंस आ गया तो जाहिर जाहिर है वो जनरल uh, साहब के लेकिन अटर्नी जनरल तो कहते तो हैं कि उनकी राय मुख्तलिफ है इससे लेकिन लिखा तो जनरल साहब ने सारे तो वो लाइफ टाइम के लिए कर रहे हैं मैं तो हैरान हूँ अटर्नी जनरल वो जो पार्लियामेंटेरियन की तायाद नली के खिलाफ है अब तीन दिन से आर्गूमेंट कर रहे हैं कि तायाद न हों तायाद न हों ठीक है ये डिफेक्शन गलत है इमोरल है इन पे एक आप कानून बना दें सारे मामला और जो मेरी इतला है अपोजिशन भी इसको डिले करना चाह रही है वो समझ रहे हैं इत्यादी में भी हमें वोट दे देंगे हमें वोट इस्तेमाल ही नहीं अच्छा नासिर साहब वैसे ये इस तरह से एक आइनी तौर के ऊपर अगर कोई मुख्तलिफ़ राय रखता है तो वो तो फिर आइनी रास्ता ही बंद कर देंगे आप और आ, जैसे आज जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि सॉरीवे की एक एक वो भी बात की और फिर उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि गलत और सही आ, को आ, का हक़ छीनना चाहते हैं आपके गलत को ग़लत कहे और सही को सही कहे नहीं तो जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी तो ऑब्ज़रवेशन दी है ना हो सकता है जिसको आप रॉन्ग समझ रहे हो उसी वो उसको रॉन्ग ना समझ रहे हैं और उसको उसी के लिए वो अपना माइंड देना चाह रहे हो हाँ। और फिर हाँ। वो ये कहा कि क्या सारी पार्लियमानी पार्टियाँ इस बात पर मुतफ़ हैं कि ताहियात नााहली होनी चाहिए वो तो दो तीन दिन से जस्टिस मंदो तो, यही बात कह रहे हैं जनरल कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर डिफेक्शन को जो है कैंसरस कहा गया जो है इजाजुल एहसन साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि मैंने पांच डिक्शनरियां जो है वो आ, देखी हैं और उसके अंदर डिफेक्शन के अंदर वर्ड 1988 की जजमेंट में उसके बाद थर्मी थर्मी माई, 63 आ गया डिफेक्शन हो जाएगा और क्या चाहते हैं फांसी लगा दें मतलब ये है कि डी थोड़ा है कि थोड़ा लाख वोटों से दोबारा आएगा यही उसको हर जगह आप पॉइंट कहीं उठेगा कि अगर ये जो अटर्नी जनरल की पढ़ा जाए तो और कितनी आईनी जो सॉरी आइन के क्लोजे जो है वो रेडेडेंट होने का खतरा कुछ कह रहे थे कि ग्यारह के करीब जो है ना ऐसी है कि जिसमें उसके मीनिंग बदल जाएंगे नहीं देखें वो देखें री राइटिंग वाली बात हो जाएगी ना लेकिन तो ये काम तो ये काम तो फिर पालक वैसे ऐसा ही रहा ना सिर्फ के साथ ये इन्होंने कान में फूंक मार दी है ना ये पता नहीं आपके साथ बात करने नहीं मुझे देते हैं ये क्या चक्कर है यार अच्छा

इमरान खान बनाम आयशा ऐशा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सिक्स थ्री है कि बड़ी वाज तशरी कर दी है तो फिर रेफरेंस क्यों लेके आए तो यही मैं आपको यही तो बता रहा हूँ इतनी कंट्राडिक्शन हैं और आ, आ, मतलब हर कदम कदम पर अभी जब दूसरी पार्टी आएगी तो आप देखिएगा वहाँ कितने वहाँ भी बड़े अच्छे सीनियर वकील हैं वो उसका क्या तिया पांचा करेंगे इस रेफरेंस का अगर आप कहते हैं कि पहले से डिसाइडेड है पहले से बल्कि जस्टिस मजर या खेल साहब ने तो यहाँ तक का कि आर्टिकल 63 ये तो कंप्लीट कोड है उसमें आपकी आ, आपको डिफेक्शन होता है तो उसके बाद आपको वो, तो वो मेथड भी बताता है आपको मेथोलॉजी पूरा एक मेकेनिज्म सजा भी, भी बताता बता है फिर फिर वो पूरा एक प्रोसीजर दे रहा है तो फिर आपको जब सब कुछ है फिर उसकी क्या एक्सप्लेनेशन आप हमसे मांगने आए हैं इस टाइम पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एंटरटेन करना ही पॉलिटिकल मैटर हो जब एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो रहा हो और सारी दूसरी और पार्टी वो फिर आने से पहले फिक्स कर दे हाँ वो मतलब है नुकसान मैं यही कह रहा था कि बेंचेज की कंपोजिशन और इस मामला में जब एक इतना पोलराइज सोसाइटी और एक पोलिटिकल पार्टी को फायदा चाहे वो सेनेट इलेक्शन है चाहे जो वो इंटेंशन भी तो देखनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों में जब एक अपील है सिक्सटी थ्री ए में इंटरप्रिटेशन हो जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा इलेक्शन कमीशन के जरिए वो सारी मामला सा होता है हमें नहीं जाना चाहिए उन्होंने अपनी रिव्यू में लेकिन देखिए वो हेरिंग के बाद उन्होंने ये बात कही थी ना तो वो अच्छा, वो अच्छा एक और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक ये सवाल भी किया था पूछा था अटर्नी जनरल से आ, अदम एतमाद का भी तो एक है ना आ, का वोट लेने वाली सूरत हाल है अगर एतम के वोट के अंदर वो ना दे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी उनका ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जस्टिस मंदोखेर साहब ने ये बेसिकली ये कहा था ना कि अगर वो लूज़ कर रहे हैं अतमाद तो दूसरी पार्टी तो गेन कर रही है ना तो पार्लियामेंट को कैसे डैमेज हो रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैसे डैमेज हो रहा है तो इस पर बात चली थी कि वो अटर्नी चंद साहब ने कहा था आर्टिकल फिफ्टी कौन सा बताया था फिफ्टी टू 94, 91 नहीं, का नहीं नहीं बहर उन्होंने ये बेसिकली था ज, हाँ। आ, कहा था कि कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी नहीं है तब भी वो चल सकता है माइनर वो कि फिर क्या होगा उन्होंने कहा वो का प्राइम मिनिस्टर हाँ। तो, तो इस पे फिर बात हुई थी कि फिर वो कहा जा सकता है चलें वो मेजोरिटी लूज कर गया माइनॉरिटी और स्टिल ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर यू कैन आस्क हिम आप तो, आप कॉन्फिडेंस ले लो वो तो वो सारा तो क्या उसके अंदर दूद। फिर 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 भी आ जाएगा नहीं फिर तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना नाजी साहब हमने ये देखा था कि जब यूसुफ रजा गिलानी थे और जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो पूरी पार्लियामेंट ने का वोट दिया था डिफरेंट पार्टीज के लोग आए थे तो उन उनपे फिर डिफेक्शन लग जानी चाहिए थी ना, ना? 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 ना देखिए वही तो बात है ना कि डिफेक्शन जो है वो सिर्फ उस वक्त लग लगती है जब मुझे पसंद ना आए <laughs> अदरवाइज नहीं लगती ये इन हाउस चेंज एक कानून में है क्या आर्टिकल आइन में, 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 में है अब इन हाउस चेंज में वो यही मनोखेल साहब के सिस्टम कैसे तबाह होगा हाँ। एक पार्टी उसकी इनकम्पिटेंसी है वो अपने लोगों को मिला के नहीं सकती उन्हें पता है ये लोग दो दो साल से नाराज़ हैं आप मिलते नहीं हैं उनसे बात पोलिटिकल मैनेजमेंट नहीं होती आपने किसी और के हवाले की हुई थी मैनेजमेंट फिर जहांगीर तरीको नाराज़ अब पोलिटिकल मैनेजमेंट का फेलियर यह है कि सुप्रीम कोर्ट उनको मैनेज करके दे और ये कहे कि नहीं पार्टी का हेड जो कर देगा वो कर देगा मसला यह है कि इमरान खान साहब ने भी जब उस्मान बुरजार और जो पोलिटिकल मैनेजमेंट में फेलियर पार्लिमानी पार्टी की जो लोगों के खदशात थे

और इन दोनों की जो गुफ्तु है उसको देखते हुए बुनियादी तौर तो पर जो है वो नज़र यही आ रहा है लेकिन बात यह है कि इसको क्यों जिस हम ये भी ये भी एक बात देख रहे हैं कि जैसे जैसे अदम अतम की तहरीक के हवाले से सूरत हो रही है वहीं उसी तरह उसके पैरल जो है अदालती प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं अनोखी बात है और ये सारा क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को जाता है कि उसने इस तरह से ना सिर्फ ये कि पार्लीमेंट के अंदर इंगेज कर दिया लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इंगेज किया हुआ है अच्छा जो है वो एक जो जमहूरीत के अंदर इस सारी सूरत हाल और इस सारी एक्सरसाइज का कोई अच्छा नतज जो है वो निकलेंगे और आखिरी बात यह कि आज जो पार्लीमेंट में तरीक अदम अहतमाद पेश कर दी गई है और उस तरीक अदम अतमाद के ऊपर इकतीस मार्च को उन्होंने जो डिप्टी इस्पीकरसिम सूरी जिनका केस मेरा ख्याल तीस को ही लगा हुआ है नासिर साहब है ना शायद मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा शायद तीस तीस को, को हाँ शायद तीस को है बहरहाल उन्होंने इकत्तीस मार्च की जो है वो तारीख दी है इसम्बली के अंदर क्या कुछ होता है और हम ये भी देख रहे हैं कि एक अहम मुलाकात बनी गला के अंदर चौधरी परवेज़ लाही की भी हो रही है ताद में हया जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके क्या नतज निकले वो अभी सामने नहीं आए जाहिर है नतज अभी तक खुफिया रखे जा रहे होंगे शराय दस्तूर से अब्दुल कईम सदी को एकवेस्ट लाइफ से इजाजत दीजिए अल्लाह बाद